हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए थ्री कलर का नेटिंग पैटर्न में डिज़ाइन बनाकर लाई हूँ, जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए, थ्री कलर में डिज़ाइन डाली हूँ मैं। देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रही है। एक साइड से देखिए इस तरह से बन रही है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है, बहुत सारे चीज़ें में आप यूज कर सकती हैं। जैसे कि इसे, ये जो डिज़ाइन है, बेबी स्वेटर में डालकर बना सकती हैं, बेबी कैप में बना सकती हैं, बेबी ब्लैंकेट में बना सकती हैं। अब ये फ्रॉक में भी डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और फ्रेंड्स, ये जो है जेंट्स स्वेटर भी पर भी डिज़ाइन डालकर ही बना सकती हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन डालने के लिए आप जैसे फंदे डालेंगी तो 4+2 के मल्टीपल आप फंदे डालेंगे तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन सेट आएगी। देखिए, सिलाई पे मैं 26 फंदे डाली हूँ तो 4 पैटर्न जो डिज़ाइन जो है बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए मैं ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आइए देखिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ डिज़ाइन। देखिए किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए 10 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ। और पहले मैं वाइट कलर से देखिए 26 फंदे डालने के बाद उल्टा सिलाई बनाते हुए मैं फर्स्ट और सेकंड रो में कंप्लीट कर ली हूँ। आप इसी तरह से फंदे डालने के बाद पहले बॉर्डर बना लें, उसके बाद ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करें। देखिए, 2 रो में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए 3rd रो से मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी, तो डिज़ाइन का 1st रो में काउंट करूँगी। तो यहाँ पर मैं येलो कलर का ऊन जो है ज्वाइंट करूँगी। देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद सेम इसी तरह से आप भी करेंगे, दूसरी कलर यहाँ पे आप ऐड करके बनाएंगे डिज़ाइन। देखिए, यहाँ पे मैं ऊन को गांठ यहाँ पे लगा ली हूँ मैं। इसके बाद डिज़ाइन का 1st रो में बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें, 3 फंदा में सीधी सिलाई बनाऊँगी, 1, 2, 3। इसके बाद मैं 2 फंदा इसी तरह से उतार लूँगी बिना बुने। देखिए इस तरह से। इसके बाद सेम उसी तरह से करूँगी, 4 फंदा यहाँ पे मैं सीधी सिलाई बनाऊँगी, 1, 2, 3, 4। इसके बाद 2 फंदा बिना बुने इसी तरह से उतार लूँगी। इसके बाद मैं 4 फंदा सीधी सिलाई बनाऊँगी, 2 फंदा बिना बुने मैं इसी तरह से उतार लूँगी। और देखिए लास्ट का 3 फंदा है, इसको मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी। देखिए इस तरह से डिज़ाइन का 1st रो में कंप्लीट कर ली हूँ। बैक साइड से मैं 2nd रो बनाऊँगी। 2nd रो में देखिए 3 फंदा उल्टा सिलाई बनाऊँगी बैक साइड से, जिससे मैं इसे सीधी सिलाई बना रही थी, और फ्रंट साइड से जैसे कि मैं सीधी सिलाई बना रही थी तो बैक साइड से मैं उल्टा सिलाई बनाऊँगी। और देखिए 2 फंदा मैं बिना बुने में उतारी थी, सेम उसी तरह से बिना बुने 2 फंदा इस तरह से उतार लूँगी। और इसके बाद 4 फंदा मैं उल्टा सिलाई बनाऊँगी, 2 फंदा बिना बुने इसी तरह से उतार लूँगी। देखिए वाइट कलर जो फंदा है, इसको मैं बिना बुने इसी तरह से उतार लूँगी, और येलो कलर के जो फंदे दिख रही है, इसको मैं उल्टा सिलाई बुन लूँगी। फ्रेंड सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 2nd रो बैक साइड से कम्प्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 1st और 2nd रो में कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं फ्रंट साइड से 3rd रो में बनाऊँगी। 3rd रो में देखिए वाइट कलर से मैं बनाऊँगी। देखिए 1 फंदा पहले मैं सीधी सिलाई बुनूँगी, इसके बाद देखिए ये जो 2 फंदा दिख रही है वाइट कलर का, और ये 2 फंदा येलो कलर का, तो येलो कलर का पहले मैं इस तरह से उतार लूँगी और 1 फंदा वाइट कलर का। इसके बाद पहले मैं येलो कलर का जो फंदा है इस सिलाई पर चढ़ा लूँगी लेफ्ट साइड।
और इसके बाद ये जो फंदा है यहाँ पर लाऊंगी वाइट कलर का। इसके बाद देखिए वाइट कलर जो फंदा है बिना बुने में उतारी थी, इसको मैं पहले में बुनूंगी। देखिए इस तरह से सीधी सिलाई, इसके बाद जो है टू फंदा येलो कलर का जो है इसको मैं सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो वाइट कलर का जो फंदा है ये यहाँ पे मैं लाऊंगी, ये फोर फंदा जो दिख रही है येलो कलर के इसके बीच में यहाँ पे। तो पहले मैं ये जो टू फंदा है इसको मैं बुनूंगी। देखिए ये वाइट कलर जो फंदा है इसको मैं छोड़ दूंगी और टू फंदा मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी येलो कलर का। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये वाइट कलर जो फंदा है इसे मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन जो है देखिए बन रही है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैं करूँगी। देखिए ये जो फंदा है इसको मैं बुनूँगी पहले, तो टू फंदा मैं येलो कलर का जो है उतार लूँगी और ये सिलाई पे मैं चढ़ा लूँगी, और ये जो वाइट कलर जो फंदा है इसको मैं पहले इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी। इसके बाद येलो कलर का जो टू फंदा दिख रही है इसे मैं इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी। और देखिए यहाँ पे भी मैं देखिए फोर फंदा जो दिख रही है फोर फंदा के बीच में ये फंदा जो है वाइट वाला यहाँ पे मैं लाऊँगी। तो देखिए वाइट कलर जो फंदा है इसको मैं इस तरह से उतार लूँगी। देखिए इसको मैं इसी तरह से मैं छोड़ दी हूँ। पहले मैं येलो कलर का जो है उसमें से टू फंदा मैं इस तरह से बुन लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गई है बीच में, इसके बाद इसे मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टू पैटर्न जो है डिजाइन देखिए इस तरह से बन रही है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं थर्ड रो जो है कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं बना ली हूँ। लास्ट का वन फंदा है इसको मैं इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी। देखिए फर्स्ट रो जो है डिजाइन कम्प्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं बैक साइड से फोर्थ रो में बनाऊंगी। बैक साइड से फोर्थ रो में सारे फंदे उल्टा सिलाई बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे फंदे बैक साइड से फोर्थ रो में उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से उल्टा सिलाई बनाते हुए मैं फोर्थ रो कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए फोर्थ रो के डिजाइन है। देखिए फोर्थ रो में डिजाइन जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये सेकेंड रो डिजाइन बनेगी। तो सेकेंड रो में यहाँ पे लाइट ब्लू कलर के ऊन में जॉइंट करूँगी। आप अपने पसंद से ऊन का कलर कॉम्बिनेशन मिलाकर अपनाएं। मैं देखिए यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का ऊन में ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा लूँगी। इसके बाद जैसे कि मैं येलो कलर में डिजाइन का फर्स्ट रो में बनाई थी सेम उसी तरह से इस यहाँ पे मैं ब्लू कलर से मैं बनाऊँगी। ये जो डिजाइन है जैसे कि येलो कलर से मैं बनाई हूँ सेम इसी तरह से डिजाइन जो है बनती जाएगी। जैसे कि फोर रो के डिजाइन है फोर रो इसको रिपीट करते जाएंगे, ये डिजाइन जो इस तरह से बनती जाएगी। आप इसे चाहे तो टू कलर में भी बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लू कलर से मैं बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि थ्री फंदा इस तरह से सीधी सिलाई स्टार्टिंग में बुनूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद टू फंदा बिना बुने इस तरह से उतार लूँगी, फोर फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से टू फंदा बिना बुने उतार लूंगी, फोर फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से टू फंदा बिना बुने उतार लूंगी, फोर फंदा सीधी सिलाई बनाऊंगी। टू फंदा बिना बुने उतार लूंगी और लास्ट का थ्री फंदा जो है इसको मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन देखिए बन रही है। फ्रेंड जैसे कि मैं येलो कलर की मैं बनाई हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पे ब्लू कलर से भी बनेगी। जैसे कि फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक मैं रिपीट की थी सेम उसी तरह से ये फोर्थ रो आप रिपीट करते जाएंगे तो डिजाइन जो इस तरह से बनती जाएगी।
जैसे कि देखिए व्हाइट कलर जो फंदे दिख रही है दोनों ये ब्लू कलर के बीच में यहाँ पे आएगी, जैसे केबल करती हैं उस तरह से फंदे को केबल करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए फोर रो की डिजाइन है, फोर रो रिपीट करते जाएंगे तो डिजाइन देखिए इस तरह से बनेगी। देखिए देखिए ब्लू कलर में यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनी हुई है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी डिजाइन है ये और बहुत आसानी से बन जाती है, टाइम भी बहुत कम लगती है। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन आप ज़रूर ट्राई करें बनाए। फ्रेंड्स ये बेबी स्वेटर पर डिजाइन डालेंगी बहुत ही सुंदर लगेगी। फ्रेंड्स बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं, वहाँ पर पिक भी आप सेंड कर सकती हैं फेसबुक पेज पर। और फ्रेंड्स मेरी फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।